मध्य प्रदेश के रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र स्थित एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर की घरवालों ने जमकर पिटाई कर दी और बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां थाने में ही चोर की अचानक से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी कैलाश कोल ने पहले से अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी, जिसके कारण उसकी पिटाई के बाद तबीयत खराब हो गई और अचानक उसने थाना परिसर में दम तोड़ दिया। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर मृतक के साथ पिटाई करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं दो आरक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया है। मौके पर पहुंचे जजों ने परिजनों को समझाइश दी और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज ले जाया गया। लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, शासन प्रशासन इसके दोषी हैं पूरी तरह से। पुलिस के बताए के अनुसार मामला चोरी का था, पुलिस गई लेने, इसके बाद वहां से लेकर के आई अस्पताल ले गई, इसमें गोल माल बताया गया, उसको थाने लाया गया था, तबीयत खराब थी, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में परिजनों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, उसके परिपालन में जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की।